हेलो गाइस, वेलकम बैक टू asanhai.com। मेरा नाम सर्वेश सरोहा है। दोस्तों, आप मेरे से फेसबुक पे, ट्विटर, ब्लॉग, यूट्यूब के थ्रू आप मेरे से जुड़ सकते हैं और मेरी इन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। प्लस आप मेरी साइट पे विजिट कर सकते हो www.asanhai.com। इस साइट पे जितनी भी वीडियोज हैं वो हर एक किसी वीडियोज आपको सीरीज में मिलेगी और नई नई जो वीडियोज हम आने वाले टाइम पे इन फ्यूचर पे अपलोड करेंगे उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपके साइट पे आपको मिल जाएगी। चलिए, इस वीडियो में हम बात कर रहे थे एथिकल हैकिंग में, और एथिकल हैकिंग में एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है क्रिप्टोग्राफी। देखते हैं कि क्रिप्टोग्राफिक है क्या चीज। देखिए, क्रिप्टोग्राफी की कार्ड साइंस है कि किसी भी डेटा को आप प्रोटेक्ट कर पाए। डेटा को प्रोटेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। देखिए, आप कोई भी इन्फॉर्मेशन अपनी हमेशा स्टोर करके रखते हैं। इन्फॉर्मेशन किस टाइप की, जैसे मान लो आपके सारे ईमेल एड्रेस है, आपके सारे कॉन्टैक्ट नंबर है, आपके बैंक के सारे पासवर्ड है, या जितनी भी आप वेबसाइटें यूज़ करते हैं उन वेबसाइटों के लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आप स्टोर करके किसी न किसी फाइल में आपने रखा है। अब वो फाइल यदि कोई दूसरा कोई अनऑथराइज यूजर उस फाइल को ओपन करेगा तो ईजली वो उसको रीड कर सकता है, और आपकी जो डेटा था आपके हिसाब से आपका सीक्रेट था लेकिन वो लीक हो गया, उसको वो पर्सन अनऑथराइज पर्सन उसको गलत तरीके से भी यूज़ कर सकता है। लेकिन इससे बचा कैसे जाए कि अनऑथराइज यूजर मेरे डेटा की या मेरी इंफॉर्मेशन को एक्सेस ना कर पाए। इसका सिंपल सा तरीका है, वो है क्या, क्रिप्टोग्राफी। या बिल्कुल सही जवाब आपका, क्रिप्टोग्राफिक मेथड है जो आपके डेटा को ट्रांसमिट को स्टोर करता है और दूसरे फॉर्मेट में आपके उस डेटा को फॉर्मेट में आपके कन्वर्ट करके देता है। ठीक है, इसमें अलग अलग फॉर्म में आप स्टोर कर सकते हो। इसके बाद जानते हैं कि इसका पर्पस क्या है, क्रिप्टोग्राफी क्यों करनी चाहिए, क्यों हमें इसका फायदा क्या क्या हो। पहला फायदा तो यही है दोस्तों कि अनऑथोराइज यूजर आपके सीक्रेट डाटा को सीक्रेट ही रहेगा, इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, उसे रीड नहीं कर पाएगा। दूसरा फायदा कि किसी भी तरीके से वो आपकी इन्फॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकता। दो फायदे होंगे में। तीसरा फायदा क्रिप्टोग्राफिक से हमें क्या मिलेगा कि यदि कल को मुझे उसमें चेंज करना होगा तो मैं ही चेंज कर सकता हूँ, मेरे अलावा मेरी फाइल को ना तो एक्सेस कर पाएगा ना ही उसमें चेंज कर पाएगा। ये तीन फायदे हैं दोस्तों क्रिप्टोग्राफी का। यदि ये तीन फायदे आप इन डाटा को सिक्योर करना चाहते हो, सीक्रेट रखना चाहते हो, तो आप हमेशा यूज़ कीजिए क्रिप्टोग्राफी। और अब बात आती है, सर सिक्योर करें कैसे, इसको प्रोटेक्ट करें कैसे। अब प्रोटेक्ट करने के बहुत सारे फॉर्म हैं और हर एक फॉर्म को हम बड़े ही बारीकी से पढ़ेंगे और आप इन चीज़ों को यूज़ भी करोगे। देखिए, प्रैक्टिकली मैं इनको दिखाऊंगा। सबसे पहले देखते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल, कुछ फॉर्म है जिसके थ्रू आप अपने डेटा को सीक्रेट रख सकते हो। पहला पब्लिक पीकेआई, तो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर आप यूज किया जा सकता है, ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल कर सकते हो, आरएससी, MD5, डिजिटल सर्टिफिकेट, सिक्योर हैश एल्गोरिथम है, सिक्योर सॉकेट लेयर है, सिक्योर सेल है। देखिए, जब हम नेटवर्किंग में भी हमने इतनी बार इन चीज़ों को पढ़ा, लेकिन थोड़ा सा भी बहुत अच्छे तरीके से इनको मैं डिफाइन करने वाला हूँ, और कोशिश मेरी यही है कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आए और अपने डेटा को, इन्फॉर्मेशन को आप सीक्रेट रख पाओ, मेरा यही मकसद है। चलिए अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये क्रिप्टोग्राफी काम करता कैसे है। ये काम करता कैसे है, ज़्यादा एक मैथमेटिक फंक्शन है जिसके बेस पे ये क्या करता है, एक प्लेन टेक्स्ट सपोज कीजिए मैंने अपना नाम लिखा सर्वेश सरोहा। ठीक है, ये क्या है, प्लेन टेक्स्ट, यानी इस फाइल को कोई भी रीड कर सकता है कि क्या लिखा हुआ है, सर्वेश क्या लिखा हुआ है, सर्वेश सरोहा। इसे हम क्या बोलते हैं, प्लेन टेक्स्ट या क्लियर टेक्स्ट। जैसे ही हम क्रिप्टोग्राफिक प्रोसेस को, क्रिप्टोग्राफी का यूज करते हैं, वो क्या करता है, क्या करेगा, आपके उस प्लेन टेक्स्ट को अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट या ट्रांसलेट कर देगा। जैसे जैसे सर्वेश को क्या करेगा, उसी लेटर को रिप्लेस कर देगा, जहां उसका फर्स्ट प्लेस था उसको थर्ड प्लेस पर डाल देगा। ठीक है ना, ये जो काम होता है, ये मैं इसको थोड़ा सा, मैं चाहूंगा कि मैं आपको थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल में थोड़ा समझाऊं। सपोज कीजिए मैंने लिखा सरोहा। ठीक है जी, अब थोड़ा सा मैं आपको विजिबल हो जाए, थोड़ा सा फॉन्ट साइज हम बढ़ा लेते हैं। ठीक है, 20 कर लेते हैं, इजी रहेगा आपको।
देखिए मैंने लिखा सर्विस, ये क्या है, प्लेन टेक्स्ट, आप इसको इजीली रीड कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही मैं इसको ट्रांसलेट करूँगा दूसरे फॉर्म में क्रिप्टोग्राफिक का यूज करके, तो कुछ ऐसा कर देगा, यानी कि पहले लेटर पे क्या है एस, ये क्या करेगा आर कर देगा, ठीक है, दूसरा अगले लेटर पे क्या करेगा ये एच कर देगा, ए कर देगा या ओ कर देगा, फिर एस कर देगा, फिर वापस क्या करेगा ए कर देगा, ठीक है ना। अब कोई जब इसको रीड करेगा तो ये क्या है पता ही नहीं चलेगा कि सर्विस लिखा हो, या ये ऐसे भी कर सकता है, सर्विस को ऐसे भी किया जा सकता है कि एस को इसने कर दिया टी वाई कुछ भी मे भी, और इसने ये समथिंग कुछ लाइक डेट ऐसा कर दिया, ठीक है ना। उसको पता है मैंने किस लेटर को किस में ट्रांसलेट किया है, किस फॉर्म में ट्रांसलेट किया है, ठीक है ना। ये क्रिप्टोग्राफिक यानी कि आपके प्लेन टेक्स्ट को जो इजिली सभी उसको रीड कर पा रहे थे वो अभी रीड ना कर पाए, ये मैंने अपने डाटा को सीक्रेट रख दिया, ठीक है ना। ये क्रिप्टोग्राफिक कुछ फंडा, बाकी और डिटेल में हम आगे बढ़ेंगे। तो इसी प्रोसेस पे काम करता है, ये क्या करता है इनक्रप्ट करता है, सॉरी इनक्रप्ट करने का मतलब क्या है, जब कोई इंफॉर्मेशन आपके प्लेन टेक्स्ट से मतलब सिंपल टेक्स्ट से दूसरे फॉर्म में आती है उसको क्या बोलते हैं हम, इनक्रप्ट करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं इनक्रप्शन प्रोसेस। और वापस जब मुझे उसको रीड करना हो तो मुझे वापस उसको प्लेन टेक्स्ट में चाहिए कि जिससे मैं उसको रीड कर पाऊँ, तो उसको वापस प्लेन टेक्स्ट में लाने के लिए इनक्रप्शन इनक्रप्ट से प्लेन टेक्स्ट में लाने के लिए उसको क्या बोलते हैं डिक्रप्शन प्रोसेस, समझ गए। प्लेन टेक्स्ट जब हम दूसरे फॉर्म में ट्रांसलेट करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे इनक्रप्शन प्रोसेस। प्लेन और दूसरे फॉर्मेट से वापस प्लेन टेक्स्ट पे आने के लिए उस प्रोसेस क्या बोलेंगे डिक्रप्शन प्रोसेस, ठीक है ना। और हर एक इस प्रोसेस में डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि की क्या है और कैसे ये काम करती है। तो इसमें हमने ये देखा कि क्लियर टेक्स्ट क्या है, इट इज अ सिंपल ओरिजिनल मैसेज जो आपका स्टार्टिंग में जिस इंफॉर्मेशन को अपने हिसाब से आप स्टोर करते हो वो आपका सिंपल या क्लियर टेक्स्ट कहलाता है। लेकिन जैसे ही हम उसको दूसरे फॉर्मेट में आप सेव करते हो या उसको ट्रांसलेट करते हैं जब हम, तो क्या अपोजिट है प्लेन टेक्स्ट का, उसको हम क्या बोलते हैं सिफर टेक्स्ट, ठीक है ना। तो आज का हम इतना ही रखेंगे, हमने अपनी वीडियोज में क्या पढ़ा कि इंट्रोग्राफिक क्या है, दूसरा उसका पर्पस क्या है, उसका वो कैसे काम करता है और किस किन फॉर्म से मैं उसको क्रिप्टोग्राफी कर सकता हूँ, ठीक है ना। और आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कितने टाइप ऑफ क्रिप्टोग्राफी है और थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, हिस्ट्री भी पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, यदि आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो आप उसको शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के पास, प्लस उसको आप लाइक कर सकते हो, प्लस मेरी इस साइट पे प्लीज़ आप विजिट कर सकते हो। और दोस्तों मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियोस। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।